क्रीटा इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, और क्रीटा जो है वो, और फ्री होने के कारण ये बहुत ही अभी ये लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। और आप वो सब कुछ कर सकते हैं क्रीटा में जो आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो मैं आज आपको क्रीटा के बारे में बताऊंगा, क्रीटा के टूल्स के बारे में बताऊंगा, और क्रीटा में कैसे की फ्रेम एनिमेशन कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट सब पता चलेगा। अगर आपको फोटोशॉप का नॉलेज है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको फोटोशॉप थोड़ा बहुत या तो फिर अच्छा आता है तो फिर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको फोटोशॉप नहीं आता है तो आपको पूरा जो लेयर का कंसेप्ट है, चैनल का कंसेप्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल्स, लेयर्स, देन ब्रशेज, देन टूल्स, ये सब समझने में आपको टाइम लगेगा। अगर आप फोटोशॉप के यूआई से अगर आप जानते हैं तो फिर आपको बहुत ही ये ईजी लगेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रीटा। क्रीटा में यहाँ पे ये मेनू बार है और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी बार है, ये इसका टूल्स बॉक्स है, यहाँ से ये स्टार्टिंग विंडो है। स्टार्ट आपको क्या करना है, न्यू फाइल लेना है, देन आपको कोई ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया है उसको ओपन करना है। रिसेंटली डॉक्यूमेंट जो भी मैंने यहाँ पे बनाए होंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कम्युनिटी है यहाँ पे, यूजर मैन्युअल अगर आपको चेक करना हो कैसे स्टार्ट करना है, गेटिंग स्टार्टेड, तो आपको डायरेक्ट आपको क्रीटा की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको कैसे उसमें आपको स्टार्ट करने में दिखेगा। इंस्टॉल कैसे करना है, इंस्टॉल पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में यहाँ जाने के बाद यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है krita.org, वहाँ से आप इसको इंस्टॉलर जो है वो, मेरा अभी 64 बिट सिस्टम है, आप यहाँ से 64 डाउनलोड कर सकते हैं। 32 अगर आपको करना है तो यहाँ से 32 डाउनलोड कर सकते हैं। 64 बिट करना है 64 बिट कर सकते हैं। पोर्टेबल भी है और इंस्टॉलर भी है, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होगी, तो सिस्टम में यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग जो सिस्टम है आपका विंडो 8 और हायर होना चाहिए, और लिनक्स में आप जा सकते हैं और OS X में आप जा सकते हैं। इसका जो रैम है मिनिमम वो 4 GB चाहिए और उससे ज़्यादा चाहिए। ऑप्शनल सीपीयू जो है इसका ओपन जी एल 3.0 और हायर चाहिए। ग्राफिक टेबलेट सपोर्टेड वेकॉम, बहुत सी जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं उसके जो ग्राफिक टेब है वो इसमें सपोर्ट करते हैं ऑलरेडी। सो ये है थोड़ा सा इसका प्रोसेसिंग। सो यहाँ से हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल करके रखा हुआ है, सो मुझे ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं, अबाउट क्रीटा के बारे में कुछ बताया, गेट इन्वॉल्व, डोनेट अगर आपको करना है तो यहाँ से आप डोनेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्रीटा मेरा प्रोफेशनल यूज मुझे थोड़ा बहुत ये कमा के दे रहा है तो आप यहाँ से डोनेट भी कर सकते हैं। सो ये है क्रीटा। सो यहाँ से हम जाएंगे फीचर्स में, इसके ये फीचर्स है, नो ट्रायल्स, नो सब्सक्रिप्शन, नो लिमिट टू योर क्रिएटिविटी, ठीक है। इसकी गैलरी है जो पिता में जो आर्टिस्ट है जो भी वर्क करके रखा है, ये उनकी गैलरी है। इसमें आप यहाँ पे क्या क्या उनके आर्टिस्ट जो है जो क्रीटा का अब तक यूज कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या बना के यहाँ पे रखा है। सो क्लीन एंड फ्लेक्सिबल इंटरफेस है इसका, इंटरफेस इसका क्लीन एंड फ्लेक्सिबल है। कस्टमाइजेबल लेआउट है, ओवर 13 डॉकर फॉर एडिशनल फंक्शनैलिटी, डार्क एंड लाइट कलर थीम है इसका। देन यहाँ पे ऑल द टूल्स यू नीड टू नो, ब्रश स्टेबिलाईजर, ब्यूटीफुल ब्रशेस है, वेक्टर एंड टेक्स्ट है, ब्रशेस इंजिन, रैप अराउंड मोड, रिसोर्स मैनेजर, सिंपल एंड पावरफुल फॉर 2D एनिमेशन। अगर आप 2D एनिमेटर है उसमें आपको ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है तो आप क्रीटा का यूज कर सकते हैं। लेयर मैनेजमेंट सिस्टम है, ड्राइंग एसेंस है, सिलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं,
ठीक है, ये तो बहुत कुछ है, ये हम सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आगे देखेंगे। सो ये है क्रीटा, मैंने आपको बता दिया डाउनलोड कैसे करना है। इंस्टॉलेशन में कुछ है नहीं है, सिंपल आपको डाउनलोड करके नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम फिनिश करना है। सो ये है क्रीटा का कुछ वर्क, और ये है क्रीटा का यूआई, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। सो ये है हमारा सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट शेप टूल्स, देन नेक्स्ट इज एसवीजी टेक्स्ट टूल, देन थर्ड इज एडिट शेप टूल, देन कैलीग्राफी टूल, देन फ्री हैंड ब्रश टूल, देन है लाइन टूल, देन है रेक्टेंगल टूल, उसके बाद है सेलेक्ट टूल, उसके बाद है पॉलीगॉन टूल, देन उसके बाद है पॉली लाइन टूल, देन उसके बाद है बेजियर कर्व टूल, उसके बाद है यहाँ पे फ्री हैंड पाथ टूल, उसके बाद है यहाँ पे डायनेमिक ब्रश, देन मल्टी ब्रश टूल, देन ये है ट्रांसफॉर्मेशन टूल, ये है मूव टूल, क्रॉप टूल, ग्रेडियंट टूल है, उसके बाद कलर सिलेक्टर टूल जिसको फोटोशॉप में कहते हैं आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ पे है कलराइज मास्क टूल, और यहाँ पे है स्मार्ट पैच टूल, पेन बकेट टूल, फिल टूल जिसको आप कह सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद है असिस्टेंट टूल्स, उसके बाद है मेजर टूल, पिन टूल, रेफरेंस इमेज टूल जिसको हम फोटोशॉप में कहते हैं पिन टूल, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल, एलिप्टिकल सिलेक्शन टूल, पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल, उसके बाद है फ्री हैंड सिलेक्शन टूल, कंटिन्यूस सिलेक्शन टूल जिसको हम फोटोशॉप में कहते हैं रेप टूल, उसके बाद है यहाँ पे सिमिलर कलर सिलेक्शन, देन यहाँ पे बेजियर कर्व सिलेक्शन, जूम टूल, हैंड टूल। सो इतने टूल्स हैं, देन यहाँ पे दिया है कुछ लेयर प्लेट, चैनल प्लेट, ब्रशेस प्रीसेट, ब्रशेस प्रीसेट हिस्ट्री, आप जो ये पूरा थीम है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे थीम आएगा, बीजे डार्क करना है, सेटिंग थीम, बीजे हाई कॉन्ट्रास्ट करना है, सेटिंग थीम, बीजे लाइट करना है, सेटिंग थीम, बीटा ब्लेंडर, ये ब्लेंडर के रिगार्डिंग है, सेटिंग थीम, पीटा ब्राइट, ये ब्राइट कलर स्कीम है, थीम है, पीटा डार्क जो भी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट जो आता है पीटा डार्क होता है, पीटा डार्कर, मोर डार्क, देन आता है पीटा नेचर। सो मुझे जो इसमें पसंद है वो है पीटा डार्कर। देन यहाँ विंडो में जाके आप टूल बार शो ऑन ऑफ कर सकते हैं। डॉकर से यहाँ पे एनिमेशन का अगर आपको विंडो ऑन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये एनिमेशन का विंडो आ गया। अगर आपको यहाँ से एनिमेशन कर्व चाहिए तो एनिमेशन कर्व भी आ जाएगा, ये एनिमेशन कर्व है। उसके बाद है यहाँ पे अरेंज, अरेंजिंग अगर आपको करना है, उसके बाद है यहाँ पे बहुत सारे डॉकर है, अलग अलग आर्टिस्टिक कलर सिलेक्टर है, चैनल है, ब्रश है, कॉमिक में मैनेजर है, कंपोजिशंस है, डिजिटल कलर मिक्सर है, गिमिक मास्क, ग्रिड एंड गाइडलाइंस, हिस्टोग्राम, LUT मैनेजमेंट, लास्ट डॉक्यूमेंट डॉकर, लेयर, अगर आपका लेयर गायब हो गया है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप घबराइए मत, सेटिंग में जाइए, डॉकर में जाइए और यहाँ से लेयर स्टार्ट कर दीजिए, देन विंडो, बट डॉकर, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डॉकर है। सो ये है हमारा UI, इसके बाद यहाँ पे लेयर मेनू है जो लेयर के रिगार्डिंग है, इमेज मेनू है जो इमेज के रिगार्डिंग है, व्यू मेनू है जो आपको रूलर्स ऑन करना है तो आप यहाँ से रूलर्स ऑन कर सकते हैं, गाइडलाइन ऑन करनी है, लॉक गाइडलाइन करना है, स्टेटस बार निकाल देना है तो आप यहाँ से स्टेटस बार जो उसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ रहा स्टेटस बार। सो यहाँ पे दिया है स्नैपिंग के रिगार्डिंग सब ऑप्शंस दिए हैं, कैनवास, सो कैनवास ओनली करना है, देन एडिट मेनू है, कट, कॉपी, पेस्ट, रीडू, अंडू, पेस्ट, फिट, कर्सर, फिल स्पेशल, न्यू फाइल लेना है, ओपन करना है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, वाइट करना है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू इसका शॉर्टकट है, क्लोजिंग विंडो करना है तो आप विंडो
यूज कर सकते हो। सो ये था क्रीटा का थोड़ा बहुत इंटरफेस। सो ये है मेरा फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको क्रीटा के थोड़ा बहुत यूआई के बारे में बताया, उसके टूल्स के बारे में बताया, कहाँ से हम प्लेट जो है उसको अरेंज कर सकते हैं इसके बारे में बताया। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं उससे पूरा क्रीटा जो है वो इन डेप्थ सिखाने वाला हूँ। क्रीटा का हम एक एक टूल्स, एक एक ऑप्शंस, एक एक सेटिंग्स, सब कुछ हम क्रीटा के बारे में जानेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो ये फर्स्ट वीडियो था, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे न्यू डॉक्यूमेंट लेके कैसे हमें वर्कआउट करना है, कैसे हम एक अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं, कैसे इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, कैसे दो इमेज को मिक्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।